और बुलेटिन में आगे बढ़ते हो, आप बता दें कि दिल्ली एनसीआर और यूपी के कुछ शहरों में आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम तब्दील होने से लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली, हालांकि कुछ जगह तेज हवाओं की वजह से सड़कों पर दरख्त भी गिरे। मौसम ने इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि 50 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, इसलिए बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। महकमे का कहना है कि ईस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। आंधी के जबरदस्त असर से दर्जा हरारत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह हुई बारिश के बाद करीब 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत गिर गया है। आईएमडी के मुताबिक आज महज 1 घंटे 20 मिनट के दौरान ज्यादा दर्जा हरारत 29 से 18 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कई मकामात पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जैम का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा बराह रास्त मौजूद हैं आज इस खुशगवार खबर पर। शुएब, दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से बारिश हुई है, तेज हवाएं भी चली हैं और लोगों को शदीद गर्मी से छुटकारा मिला है, हालांकि कहीं कहीं जाम की वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जरा बताइए किस तरह के मनाजिर आपने देखे बरसात के बाद? बिल्कुल मुमताज, देखिए हफ्ते का पहला दिन है आज, पीर का रोज है, लोग दफ्तर के लिए निकले जरूर, लेकिन उन्होंने एक अच्छे मौसम का जो तजुर्बा है वो भी किया। और सुबह से ही तकरीबन 4 बजे के बाद से बारिश की शुरुआत हुई थी, 4:30 बजे के करीब से, और सुबह 7-8 बजे तक जो बारिश का दौर है वो यूं ही मुसलसल चलता रहा। टेम्परेचर की जहां तक बात है तो आज मौसम विभाग का अनुमान है कि कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 23 जो टेम्परेचर है वो रहने का अनुमान है, यानी कि एक बेहतरीन जो मौसम होता है, अच्छा जो मौसम है वो आज दिल्ली में है, दारुल हुकूमत दिल्ली में, और बहुत अच्छा, क्योंकि काफी जो शिद्दत की गर्मी है पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर थी, लोग परेशान थे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, लोग गर्मी से बेहद परेशान थे, तो आज का दिन बड़ी राहत लेकर सुबह के वक्त आया है और पीर का रोज लोगों के लिए बड़ा खुशगवार दिन है। इसके साथ साथ कई जगहों से क्योंकि तेज हवा चली सुबह के वक्त तो पेड़ गिरने की खबरें हैं, 100 से ज्यादा जो पेड़ है दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर गिरे हैं, ये अभी तक की खबर है। इसके साथ साथ कहीं ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हो, इस तरह की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन यमुना पार के जो इलाके हैं क्योंकि हवा थी बहुत तेज, तो वहां पर हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ऊंचे ऊंचे जो झंडे हैं तिरंगे वो लगाए गए हैं, तो हवा चलने की वजह से कई जगहों पर तिरंगे फटे हैं, इस तरह की भी सूचना हमें मिली है। इसके अलावा जो खंभे हैं बिजली के, जो पोल है वो भी गिरे हैं, इस तरह की भी जानकारी मिली है। तो हालांकि किसी तरह के जान के नुकसान की कहीं से खबर नहीं है, ये बात सही है, लेकिन जो मौसम है वो बहुत अच्छा एक तरीके से अभी हो गया है। ट्रैफिक कितना मुतासिर हुआ शुएब मौसम की वजह से? देखिए अगर मौसम की ट्रैफिक की बात की जाए तो सुबह का वक्त था चूंकि, तो जैसे ही लोग 9 बजे के करीब हम भी चूंकि आए फील्ड में, तो महसूस यही हुआ कि आईटीओ और दूसरी जो ऐसे इलाके हैं जहां पर हमेशा ट्रैफिक के जो संभावना है वो ज्यादा रहती है, वहां पर ट्रैफिक जो जूझते लोग ट्रैफिक से नजर आए, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं था कि घंटों घंटों का कोई जाम हुए इस तरह से, बल्कि थोड़े थोड़े वक्त पर लोग वहां से चल रहे थे, तो यकीनन बहुत ज्यादा इससे परेशानी नहीं हुई। हाँ ये बात सच है कि मौसम के तापमान के गिरने से, तापमान कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है और वो इसकी उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस तरह का मौसम उन्हें महसूस करने को मिले, जो आज दिल्ली में नजर भी आ रहा है, और लोग काफी खुश है कि कम से कम उन्हें गर्मी से राहत मिली है। बहुत ज्यादा शिद्दत की जो गर्मी थी वो पिछले कई दिन से लोग महसूस कर रहे थे। बेहद शुक्रिया शुएब आपका इस खबर पर, ये तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।